जब आप मोबोर बीच की तरफ जाएंगे, कैवेलोसी बीच की तरफ में, तो ऐसे कुछ बोर्ड्स आपको मिलेंगे। ये सब वो एक्टिविटीज़ है जो इस रीजन में होती है, यहाँ पर सी के पास में होती है या फिर पीछे नदी है वहाँ पर होती है। और क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उनका क्या टाइमिंग्स है, कितनी देर के लिए वो करवाते हैं, वो सब इसमें मेंशनड है। सारी बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स है। बहुत पास में काफी बड़े बड़े जंप्स कर रही है डॉल्फिन्स। साउथ गोवा में कैवेलोसिम बीच पर या फिर मोबोर बीच पर आप कोई भी वाटर स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिनका चार्जेस 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक है। और अगर आप 3-4 चीज़ों का पैकेज लेते हैं तो यही सब कुछ आपको और भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो मैं रुका हुआ हूँ साउथ गोवा में। साउथ गोवा की एक बहुत खूबसूरत जगह है कैवेलोसिम, और कैवेलोसिम के अंदर भी एक बहुत ही सुंदर जगह है तंबोरिम। एक छोटा सा सुंदर सा विलेज जैसा है। इस जगह पर थोड़े से ही घर है और ज़्यादातर सारे ही लोकल्स है, और शांति है, बहुत सारे पेड़ है, बहुत ही साफ सुथरी और सुंदर जगह है। मैं यहाँ पर 2 दिन के लिए आया था, आज करीब 8-9 दिन हो गए। ये जगह इतनी सुंदर है कि जल्दी लौटने ही नहीं दिया। ये देखिए, कोई भीड़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, रास्ते के दोनों तरफ। कभी भी देखिए, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ें हैं। काफ़ी समय पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, द ग्रेट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल। इस होटल के अंदर मुझे वैसा ही फील आ रहा है। उस फिल्म के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग होते, करीब 8 से 10 बुजुर्ग लोग फॉरेन से आकर के राजस्थान के किसी होटल में रहते हैं, और फिर उनकी इंडिविजुअल लाइफ चलती है, कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। बहुत प्यारी फिल्म थी। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। वो यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग है, करीब 7-8 कपल होगा, और वो रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर इधर की शांत लाइफ एंजॉय करने के लिए आए हुए। ये डिनर के लिए समोसा है। यू लाइक समोसा? यू लाइक दिस समोसा? वेरी मच सो। यू लाइक समोसा वेरी मच? यस। You are having samosa in dinner? Correct. Oh wow. Are you also having samosa in dinner? Yes, we're having samosas in dinner. You like the samosa? This is my husband Peter. Best samosas. Everywhere. And I best samosa, yes. Yeah. In Goa. Yeah. Best samosas in Goa? Yeah. Oh, you're also having samosa? I'm the second wife. Who's second wife? His second wife. Okay. Yes, samosa. The samosa is excellent. Samosa, बहुत पसंद है लोगों को? Yes. Very, very popular.
गोवा में समोसा खाने को, अरे कड़क है तो एकदम कमाल है। दो समोसा एकदम कंप्लीट मील बन जाता है। जबरदस्त टेस्टी, मटर से और स्वाद आ रहा है, कितना मटर डाला है। और ये जितने भी बुजुर्ग है ये सारे यहाँ पर करीब 2-3 महीने से ऑलरेडी रह रहे हैं। मुझे यहाँ के ओनर ने बताया, इवन इन लोगों ने भी बताया कि ये लोग यहाँ पर पिछले 14 साल से, कोई 18 साल से, कोई 12 साल से यहाँ पर आ रहा है और लगातार इसी होटल में रुक रहा है। We came in November, 7 years. We come twice a year. And you like Goa? Yeah. शाम को इनकी कंपनी एंजॉय करता हूँ। What have you left here? The Queen of Diamonds. Really? Yeah. You sure? Yes. Pick that card out of my pocket. Are you serious? Pick it out of my pocket. Go on. Come on, go on. Go on, Goldie. Oh. You need to give him a good kiss. Oh, wow. That's so wonderful. And that, my friend, is magic. Oh yeah, that's magic. Absolutely. Oh, amazing, sir, amazing. I'm a big fan of yours. This is really amazing. And this, my friend, is magic. Yeah, this is magic. Amazing, sir. No, nothing. मजा आता है। सुबह सुबह बीच पर जाता हूँ, बैठता हूँ वहाँ पर। कभी कभी समुद्र में नहाता हूँ, दिन में कभी कुछ बुक पढ़ ली तो पढ़ ली, अदरवाइज कहीं आसपास में घूम आए। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही, ऐसी ही आवाज़ें दिन भर चलती रहती है। कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, कोई किसी टाइप की आवाज़ नहीं, एकदम शांति है यहाँ पर। मुझे हमेशा से ही बुजुर्गों के साथ में समय गुजारना अच्छा लगता है, और साउथ गोवा के इस होटल में, डोनासा मारिया में, जितने भी गेस्ट्स हैं, किस्मत से वो सारे ही बुजुर्ग हैं। ये लोग एक्चुअली सिखाते हैं हमें कि जिंदगी को सेलिब्रेट कैसे किया जाए। You're going to the beach now? No, we're going to the boat. Boat trip. अगर हमें रोना ही है तो कोई भी छोटी से छोटी बात पकड़कर हम उस पर जिंदगी भर रो सकते हैं, और अगर हमें मुस्कुराने की वजह ढूंढनी है तो एक छोटी सी छड़ी या फिर एक प्लास्टिक बैग हमें और हमारे आसपास के सारे माहौल को खुशनुमा कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी कितनी है या फिर आप जिंदगी में कितना जीते हैं, फर्क पड़ता है कि आप जिंदगी को कैसे जीते हैं। आप अगर गौर फरमाएंगे तो वो जो आत्मिक खुशी होती है ना, जो अंदर से खुशी मिलती है, वो छोटी छोटी चीजों से ही मिलती है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो फॉरेनर्स है, इनके पास तो वैसे ही बहुत पैसा है, ये तो वैसे ही बहुत खुश रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग हमसे भी कम खर्च करते हैं, और पैसे का और खुश रहने का कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है। ये लोग डिनर में अगर एक समोसा भी खाते हैं तो उसको ऐसे एंजॉय करते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मील है। तो छोटी छोटी सी चीज़ों के अंदर खुश रहने के कारण ढूंढिए, क्योंकि दुखी रहने के कारण तो वैसे ही आपको बहुत मिल जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी के हर एक दिन को सेलिब्रेट करते रहिए। yeah.
बहुत ही वर्थ पैकेज है, बहुत ही वर्थ है ये रिवर के अंदर बोट राइड। इसका क्या पैकेज है, कितना रेट्स लगता है, क्या प्राइस है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वो भी मैं बताता हूँ। This is gin and this is beer. तो अभी हम लोग इस आइलैंड के ऊपर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर मुझे बताया काफ़ी सारी बर्ड्स और कुछ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखिए, तो आप जब भी साउथ गोवा में आते हैं ये ट्रिप मिस मत कीजिएगा। $1,200 के अंदर करीब फूड इंक्लूडेड है, ड्रिंक्स इंक्लूडेड है और ये कमाल की बोट राइड इंक्लूडेड है।